अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैथ के हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 6.5 में जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू है ए उसका स्क्वेयर, एक वैल्यू हमारे पास है बी उसका स्क्वेयर। इन दोनों स्क्वेयर के सेंटर में हमें माइनस का साइन नज़र आएगा। अगर माइनस का साइन हो तो फार्मूला बनेगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी ए, सेकेंड वैल्यू थी बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। एक्सरसाइज 6.5 में हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 9 - x² 9 हमारे पास 3 का स्क्वेयर है, x² हमारे पास x² है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वेयर, तो हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फर्स्ट वैल्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। 3 - x एंड 3 + x। फर्स्ट वैल्यू 3, सेकंड वैल्यू x। फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू 3 - x। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू 3 + x। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है -6 + 6y² यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 6 कॉमन एलिमेंट नज़र आता है। अगर हम सबसे पहले इसको अरेंज कर लें, 6y² - 6 लिखते हैं और उसके बाद 6 अगर कॉमन एलिमेंट ले लें तो y² - 1, क्योंकि यहाँ पर 6 का एक फैक्टर 1 भी है। अगर हम 6 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास इसका जो फैक्टर 1 है वो बाकी आ जाता है। 6 एज इट इज़ लिखा जाता है, y का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर हमारे पास 1 ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्क्वेयर जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है विद इटसेल्फ, जो मल्टीप्लाई है वो 1 × 1 = 1। तो इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला यूज होगा a² - b² = a - b एंड a + b। 6 × y - 1 y+1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x³ - xy³। x³ - xy³ देखा जाए तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो है एक्स एंड वाई। इसमें भी एक्स और वाई है, इसमें भी एक्स और वाई है। हमने एक्स और वाई कॉमन ले लिया तो x² रह गया, एक एक्स कॉमन लिया x³ में से और वाई कॉमन लिया तो वाई यहाँ पर ख़त्म हो गया। यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो एक्स जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और y³ में से 1 वाई कॉमन लेते हैं तो y² आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फार्मूला होता है a² - b² = a - b एंड a + b है। एक्स वाई एज इट इज रहेगा, इसको हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो x - y एंड x + y हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। देखा जाए तो इसको अगर आप x² - y² में पुट करें तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। a² - b³ - 64। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 a² b³ - 64 a² 2 b। देखा जाए तो इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास a² b कॉमन है। अगर हम a² b कॉमन ले लेते हैं, a² कॉमन आ गया, b³ में से 1 b कॉमन आ गया तो b² रह गया और यहाँ से a² b कॉमन आ गया मुकम्मल, तो हमारे पास सिर्फ 64 रह जाएगा। अगर हम इसको b² -
8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फार्मूला हमारे पास यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए स्क्वायर बी एज इट इज लिखा जाता है। इस क्वेश्चन इस फॉर्म को हम फार्मूला में कन्वर्ट करें तो हमारे पास बी माइनस एट और बी प्लस एट, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब हम, जो कि है 11 ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 99 सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में से अगर देखा जाए तो 11 कॉमन एलिमेंट है, अगर 11 को कॉमन ले लिया जाए इन दोनों वैल्यूज में से तो हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर और 11 9 का 99 सी स्क्वायर ये वैल्यू रह जाती है 11 एज इट इज। ए प्लस बी होल स्क्वायर ये फिक्स स्क्वायर है और 3c होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 हो गया और सी स्क्वायर हमारे पास सी स्क्वायर हो गया। इसके अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। 11 एज इट इज ए ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर जो टोटल वैल्यू वो हमारे पास ए है ए प्लस बी माइनस 3c और ए प्लस बी प्लस 3c। इस ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन करें ए प्लस बी स्मॉल ब्रैकेट को अगर ओपन किया जाए तो ए प्लस बी माइनस 3c और ए प्लस बी प्लस 3c, ये ही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 9 बाय 5 स्क्वायर एक्स माइनस 9 बाय 5 होल स्क्वायर माइनस 36 बाय 25 वाई सॉरी वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। एक्स माइनस 9 बाय 5 होल स्क्वायर ये तो हमारे पास इस वैल्यू का स्क्वायर मौजूद है, 36 होता है 6 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमारे पास वाई का स्क्वायर होता है। इसको इस फॉर्म को हम जो है स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और वाई स्क्वायर हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाता है। अगर हम फार्मूला यूज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू बचती है बनती है एक्स माइनस 9 बाई 5 प्लस 6 बाई 5 वाई, ये एक वैल्यू आ गई सॉरी माइनस इसमें ये ए वैल्यू टोटल की टोटल स्क्वायर के अंदर ए है ए आ गया और एट स्क्वायर के अंदर बी है हमारे पास तो ये बी आ गया। इसी तरह हमारे पास है एक्स माइनस 9 बाई 5 प्लस 6 बाय 5 वाई, इन ब्रैकेट्स को स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करें तो एक्स माइनस 9 बाय 5 माइनस 6 बाय 5 वाई एंड एक्स माइनस 9 बाय 5 प्लस 6 बाय 5 वाई, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 25 इंटू एक्स प्लस 5 बाय 4 होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 7 बाई 4 होल स्क्वायर। 25 स्क्वायर के साथ है और 16 स्क्वायर के साथ है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। 25 होता है हमारे पास 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर एक्स प्लस 5 बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 16 होता है 4 का स्क्वायर एंड एक्स प्लस 7 बाई 4 होल का स्क्वायर। देखा जाए तो ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है तो हम इसको एक ही ब्रैकेट में कर देते हैं 5 इंटू एक्स प्लस 5 बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7 बाई 4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर वन टाइम लिख दिए और ये दोनों स्क्वायर हमने वन टाइम लिख दिए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों वैल्यू से ब्रैकेट के अंदर तो 5 मल्टीप्लाई एक्स 5 एक्स प्लस 5 5 द 25 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स 4 एक्स और 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 डिवाइड बाय 4
होल स्क्वायर एज इट इज आ जाते हैं। अब ये हमारे पास स्क्वायर के अंदर एक वैल्यू, स्क्वायर के अंदर दूसरी वैल्यू, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इसमें हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 5x plus 25 by 4 minus 4x plus 28 by 4। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह 5x plus 25 by 4 minus 4x plus 28 by 4, ये दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको ओपन करें तो 5x प्लस 25 बाय 4 माइनस 4x प्लस प्लस माइनस माइनस 28 बाय 4, और इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 5x प्लस 25 बाय 4 प्लस 4x प्लस 28 बाय 4, हमारे पास ये वैल्यू आती है। 5x माइनस 4x तो हमारे पास जस्ट x रह गया, और 25 बाय 4 माइनस 28 बाय 4, इनका अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास एलसीएम इस तरह से आएगा 25 बाय 4 माइनस 28 बाय 4 का एलसीएम माइनस 3 बाय 4, तो यहाँ माइनस 3 बाय 4 आंसर आ जाता है। इसी तरह 5x प्लस 4x 9x हो गया, और इन दो वैल्यूज का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास होता है 53 बाय 4, इसका एलसीएम हो जाएगा 25 बाय 4 प्लस 28 बाय 4, 4 एलसीएम आगे कॉमन एलिमेंट है 25 प्लस 28, ये हमारे पास 53 बाय 4 इस क्वेश्चन का एलसीएम है। तो यही हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कुछ इस तरह। क्वेश्चन नंबर 15 है 371 होल स्क्वायर माइनस 129 होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो वैल्यू है, अगर देखा जाए तो इसमें फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। 371 माइनस 129 एंड 371 प्लस 129। 371 माइनस 129 हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 242, और 371 प्लस 129 हमारे पास, उनको ऐड करो तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 500। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 121,000 हमारे पास आंसर आता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, ये था 15 क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 0.567 स्क्वायर माइनस 0.433 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.567 माइनस 0.433। अगर ऊपर वाली वैल्यू को देखा जाए तो उसमें जो फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अगर इसको हम इस फार्मूले के विद रिस्पेक्ट टू पुट करें तो 0.567 प्लस सॉरी माइनस 0.443 एंड 0.567 प्लस 0.433 डिवाइड बाय ये वैल्यू एज इट इज आ जाती है 0.567 माइनस 0.433। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, 0.567 माइनस 0.433 और 0.567 माइनस 0.433 सेम वैल्यू है, तो इकट्ठे कि 0.4567 प्लस 0.433 रह गया। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 1.000, इट मीन्स हमारा आंसर 1 है। इसको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, 0.567 0.433 7 8 3 10 0 1 कैरी 6 3 9 और 1 10 0 1 कैरी 5 4 9 और 1 10 0 1 कैरी डेसिमल के बिल्कुल नीचे डेसिमल आ जाता है और 1 प्लस 0 प्लस 0 1। ये देखें हमारा आंसर 1 आता है। तो बच्चों आपने एक्सरसाइज 6.5 यहाँ कंप्लीट कर ली, यही आपकी आरपी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ ना आ रहा हो
तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 03044272432 इस पर मुझे व्हाट्सएप करके उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का सलूशन पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 6.6 के साथ। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।